200 ग्राम भी शिखर धवन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। 299 रन लगाने के बावजूद भी हैदराबाद की टीम से पूरी तरीके से हारने के बाद बौखला चुके हैं शिखर धवन, और अपने बयान में उन्होंने उमरान मलिक से लेकर राहुल त्रिपाठी पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए क्या कह डाला, आपको धवन का पूरा बयान दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धवन और पांड्या में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। 200 आईपीएल 2023 का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स की टीम के बीच में। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम यानी कि हैदराबाद में मुकाबला था। इस बार बाजी हैदराबाद के हाथ में थी और उन्होंने इसे जीत कर भी दिखाया। लेकिन दोस्तों मुकाबले की शुरुआत कुछ अलग ही हुई थी। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, और मानना पड़ेगा कि गेंदबाजी में उनकी शुरुआत बहुत ज्यादा उम्दा थी। दोस्तों पहले ओवर की पहली गेंद पर धाकड़ फॉर्म में चल रहे इनफॉर्म बैट्समैन प्रभ सिमरन सिंह को भुवनेश्वर कुमार ने 0 पर LBW आउट कर दिया था। इसके बाद दोस्तों मैथ्यू शॉर्ट नाम का खिलाड़ी अगले ही ओवर में एक रन पर आउट हो जाता है। जितेश शर्मा नाम के इनफॉर्म बैट्समैन भी 4 रन पर मार्को जेंसन का शिकार बनते हैं। उधर सैम करन साहब भी 15 गेंदों में 22 रन लगाकर चल देते हैं बड़ी जल्दी ही मैदान से बाहर। इसके बाद तो दोस्तों कोई भी खिलाड़ी पंजाब किंग्स का 10 से ऊपर रन बना ही नहीं पाया, केवल शिखर धवन को छोड़कर। दोस्तों कोई अगर कह दे कि ये बल्लेबाजी पिच नहीं थी तो उसको धवन ने तमाचा जड़ा है आज, क्योंकि दोस्तों धवन ने आज अकेले ही अपनी टीम के 8-10 खिलाड़ियों की बल्लेबाजी का जिम्मा उठा लिया। और दोस्तों धवन ने 66 गेंदों में 12 चौके लगाए, 5 गगनचुंबी छक्के जड़कर 99 रन की नाबाद पारी खेली। अफसोस वो अपने शतक से चूक गए, लेकिन ये खिलाड़ी लड़ता झगड़ता अपनी टीम को 143 तक तो ले ही गया था। लेकिन दोस्तों हैदराबाद की टीम जो एक भी मैच नहीं जीत पाई उसके लिए 144 का लक्ष्य भी पहाड़ जैसा था, परंतु आज इस लक्ष्य को चेस करने में सबसे ज्यादा मदद करवाई राहुल त्रिपाठी ने। दोस्तों टीम की शुरुआत तो इनकी भी अच्छी नहीं थी। हैरी ब्रुक 13 रन तो मयंक अग्रवाल 21 पर आउट हो गए थे, लेकिन राहुल त्रिपाठी अकेले लड़ते चले गए। 48 गेंदों में 10 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए और 74 रन की नाबाद पारी खेली। उधर कप्तान साहब एडम मार्करम भी 21 गेंदों में 37 रन लगा गए और बड़ी आसानी से 18वें ओवर के अंदर स्मूथली टीम ने जीत लिया इस मुकाबले को 8 विकेट से। 200 धवन की तो 99 रन की पारी पूरी तरीके से बेकार हो गई, लेकिन उमरान मलिक ने 2 बड़े विकेट लिए थे हरप्रीत बरार और सिकंदर रजा का, तो कहीं ना कहीं वो भी मैच का टर्निंग पॉइंट थे। इन दोनों पर क्या बोले हैं धवन, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हार के बाद शिखर धवन ने कहा, मुझे लगता है कि आज बल्लेबाजी में हमने बहुत जल्द बहुत ज्यादा विकेट गिरा दिए। ये एक बल्लेबाजी पिच है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम 150 से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। अगर ये स्कोर 175 या 180 होता तो हम इसे डिफेंड करने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन हैदराबाद की टीम की बल्लेबाजी मजबूत है और मैं इस बात से वाकिफ था और हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते थे। इसीलिए बल्लेबाजों से इतनी उम्मीद तो थी ही कि हम 175-180 तक पहुंच पाए। खैर हर दिन आपका होता नहीं है, इसलिए आप अपनी गलतियों से केवल सीख सकते हैं। हालांकि एक लम्हे पर हमारे गेंदबाजों ने जबरदस्त पुल बैक किया था शुरुआत के 2 विकेट लेकर। एसआरएच की टीम भी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन तभी राहुल त्रिपाठी ने बहुत अच्छा नॉक खेला और टीम को जिता गए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उमरान मलिक भी एक टर्निंग पॉइंट बने, क्योंकि जब कोई नहीं चल रहा था तब मुझे लगा कि अंतिम पलों में हरप्रीत बरार या सिकंदर रजा में से एक भी अगर 20-25 रन बना दे तो हमारी टीम को एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा और वहां से हम मैच में वापसी कर सकेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, तो कंप्लीट हमारी बल्लेबाजी का फेलियर था। उम्मीद है कि अगले मुकाबले में हम जरूर जीत पाएंगे। 200 धवन ने सीधे तौर पर हार का कारण कहीं ना कहीं उमरान मलिक और राहुल त्रिपाठी को बताया है। एक ने गेंदबाजी में पछाड़ा तो दूसरे ने बल्लेबाजी में दम निकाला। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, आज धवन और त्रिपाठी में से अच्छी बैटिंग किसकी थी, और धवन पांड्या में कौन बेहतर है, इसका भी जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।